पहला सवाल, बिल्ली के रोने से क्या होता है? दूसरा सवाल, शेर ही जंगल का राजा क्यों है? तीसरा सवाल, गौमूत्र में सोना क्यों पाया जाता है? चौथा सवाल, सांड और भैंस को छोड़ने से पहले उनको लोहे से क्यों दागा जाता है? पांचवा सवाल, भारत में कौन सी जगह औरतों का सभी काम मर्द करते हैं? दोस्तों, माना जाता है कि बिल्ली अगर घर में आकर रोने लगे तो घर के किसी सदस्य की मौत होने की सूचना या कोई अनहोनी घटना हो सकती है। बिल्ली का आपस में झगड़ना, बिल्लियों का आपस में लड़ना धन हानि और गृह कलह का संकेत है। यदि किसी के घर में बिल्लियां आपस में लड़ रही हैं तो माना जाता है कि शीघ्र ही घर में कलह उत्पन्न होने वाली है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके घर में बिल्ली अगर रोने लगे या फिर झगड़ा करने लगे आपस में, तो आप तुरंत उन्हें आप किसी तरह से आप उनको डंडे या किसी तरह से वहाँ से भगा दें। दोस्तों, दूसरा सवाल है कि शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है, जबकि जंगल में सबसे ताकतवर और भी जानवर हैं, जैसे में हाथी है, जिराफ है, ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, फिर भी शेर ही जंगल का राजा क्यों होता है? ये सवाल सबके मन में एक चिंता का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको इसका सटीक उत्तर दूंगा, बिल्कुल शेर ही जंगल का राजा आखिर क्यों कहलाता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, शेर अपने एटीट्यूड के कारण ही जंगल का राजा कहलाता है। यानी कि मैं आपको इसका सही और सही तरीके से आपको एक्सप्लेन करके बताऊं, तो शेर की नज़र में सभी जानवर शिकार ही दिखते हैं। यानी कि वो किसी को भी अपना शिकार समझता है, वो किसी को बख्शता नहीं है। उसके सामने कितनी भी बड़ी बड़े जानवर आ जाते हैं सामने, फिर भी वो अपने शिकार के ही नज़र से वो देखता है। दोस्तों, वह सिर्फ अपने एटीट्यूड के कारण ही वह जंगल का राजा है। तो दोस्तों, मेरा तीसरा सवाल है और सबसे अहम सवाल है कि गौमूत्र में सोना क्यों पाया जाता है? दोस्तों, शायद आपको सुनने के बाद आप सोच रहे होंगे कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यह बिल्कुल सच है, यह सच्ची खबर है कि बिल्कुल गौमूत्र में सोना पाया गया है रिसर्च में। तो दोस्तों, चलिए बताते हैं इसका सही आंसर। दोस्तों, गुजराती भाइयों ने एक बार फिर से कमाल किया था। जूनागढ़ कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने गिर प्रजाति की 400 गायों के मूत्र की जांच के आधार पर उसमें सोना होने का दावा किया था। आयोनिक रूप से मिलने वाला यह गोल्ड साल्ट पानी में घुलनशील है। इन वैज्ञानिकों ने भेड़, ऊंट और भैंस के पेशाब की भी जांच की थी। अफसोस, वहां कुछ न मिला। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक इस प्रयोग के मुख्य वैज्ञानिकों ने डॉक्टर बालू गोलकिया को गाय के मूत्र में सोना मिलने की जानकारी अथर्ववेद से मिली थी। फिर क्या था, वे इसे साबित करने में जुट गए और 4 सालों की मेहनत के बाद गिर गाय के 1 लीटर मूत्र से 3 से 10 मिलीग्राम सोना निकाल लिया गया। तो दोस्तों, जाहिर है कि यह बहुत बड़ी खोज है। अगर यह सफल हो गई तो देश की अधिकांश समस्याओं का हल निकल सकता है। हर गरीब गाय पालेगा और मूत्र इकट्ठा करेगा। सरकार आजकल जैसे किसानों से दूध खरीदती है, वैसे गौमूत्र भी खरीदेगी। कुछ संपन्न किसानों तो अपने घर में ही सोना पैदा कर सकते हैं। गरीबों की सारी गरीबी छूमंतर हो जाएगी। पीला सोना झोपड़ियों में चमकेगा, बच्चे सोने के पानी से नहाएंगे। बाकी बातों की कल्पना आप स्वयं कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। मेरा चौथा सवाल है कि सांड और भैंसा को छोड़ने से पहले लोहे से आखिर क्यों दागा जाता है? तो दोस्तों, मैं आपको इसका सही आंसर बता दूं। तो सांड और भैंसा को आपने देखा ही होगा कि छोड़ते वक्त लोहा से दागा जाता है। आपको बता दें कि यह एक जानवरों पर एक नियम लागू किया गया था सरकार की तरफ से। अगर आप किसी जानवर को अगर लोहे से किसी चीज़ से आप दाग कर अगर उसे छोड़ते हैं तो उसे किसी प्रकार का कोई हानि नहीं है। यानी कि उन जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है कि उसे कोई नुकसान ना हो। मेरे कहने का मतलब है कि अगर उन्हें हम दाग कर छोड़ेंगे तो उन्हें कोई समस्या नहीं आएगी। जैसे मुसलमान लोग जानवरों को काट देते हैं तो ऐसे आत्महत्या कर देते हैं, उन्हें खा जाते हैं। तो अगर ऐसा वो गलती करते हैं दागने के बाद भी, तो उन्हें फांसी की भी सज़ा हो सकती है। इसलिए उनको सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाता है ताकि उन पर कोई हानि ना हो। तो दोस्तों, मेरा सबसे लास्ट और अहम सवाल ये है कि भारत में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे औरतों का सारा काम मर्द करते हैं? तो दोस्तों, इसका सही जवाब मैं आपको बता दूं, आपको सुनकर जानकर हैरानी होगी कि ऐसा भी होता है क्या, लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल सच है।
दोस्तों ये खबर भारत के यूपी एमपी बॉर्डर झांसी की बात है, जहां पे मैं खुद गया था और रिसर्च करने के बाद पता चला कि वहां पे जितने भी औरतें वाले जो काम होते हैं वो सारे मर्द करते हैं। अब वैसा नहीं है कि वो लोग चूड़ी पहनते हैं तो साड़ी पहनते हैं, लेकिन जो काम होते हैं वो सारे औरतों के मर्द करते हैं। दोस्तों वहाँ के रीति रिवाज भी अलग है, जैसे हम लोग जैसे मर्द हैं तो अपनी माता के पैर छू सकते हैं, लेकिन वहाँ की लड़कियाँ अपनी माँ की पैर नहीं छूती हैं, बल्कि माँ अपनी बेटी की पैर छूती है। दोस्तों बिल्कुल हमें ये तो गलत रिवाज लगा, क्या आपको सही लगा? बुजुर्ग भी छोटे छोटे बच्चियों के पैर छूते हैं, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। दोस्तों आपको कैसा लगा, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन वहाँ की औरतें राजमिस्त्री का भी काम करती हैं, जैसे अच्छे अच्छे घर की डिज़ाइन करना। मैंने कुछ घर देखे थे जो कि औरतों ने डिजाइन किया था, औरतों ने उस घर का निर्माण किया था, मैं जानकर हैरान हो गया। तो दोस्तों तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमें कमेंट में बताएं ज़रूर, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।